खूबसूरत सफ़र के साथ आपको मिलते हैं माँ कुंजापुरी के मेले में। पहुँच चुका हूँ गुजराड़ा बाईपास, अभी पहुँच चुका हूँ नरेंद्र नगर मेले में। अब ले चलते हैं स्टॉल की तरफ। समय बाद हमारे बीच आ रहे हैं कैबिनेट मंत्री माननीय श्री सुबोध उनियाल जी, जयकारा भी लगाएंगे और इस तरह से माननीय मंत्री जी के द्वारा माँ कुंजापुरी के। आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मेले में निकलेंगी झांकियां और झांकी की ये अंतिम अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं जिनके माध्यम से। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं अनूप सेमवाल और हूं अभी देहरादून में। तो दोस्तों, आज से नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन लगता है नई टिहरी के नरेंद्र नगर क्षेत्र में सिद्धपीठ माँ कुंजापुरी का मेला। हम लोग भी वहीं जा रहे हैं मेले में। खूबसूरत सफ़र के साथ आपको मिलते हैं माँ कुंजापुरी के मेले में। मेले में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि वहाँ पर जो झांकियाँ निकलती है वो देखने में बहुत मज़ा आता है। और आप वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। मिलते हैं आपको सीधे नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में। तो दोस्तों, हमारे खूबसूरत सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और सफ़र की शुरुआत हो रही है हर्रावाला देहरादून से। और सबसे पहले जानते हैं मौसम का हाल। तो आसमान में पूरे बादल छा रखे हैं और बरसात की संभावना है। कहा जाता है कि नवरात्रे जब शुरू होते हैं, माँ कुंजापुरी का मेला लगता है, तो आसमान से होती है गंगा जल की बरसात और जिससे पवित्र होती है हमारी खूबसूरत सी धरती। और हम अभी पहुंच चुके हैं हर्रावाला मार्केट में और आप वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो में आने वाला है बहुत ही मज़ा। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं गुजराड़ा बाईपास। यहीं से जाता है ऋषिकेश का रास्ता और यहीं से शॉर्टकट जाता है नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल। तो हम जाएंगे शॉर्टकट रास्ते से जहाँ मेला लगा हुआ नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर है ऋषिकेश से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे। माँ कुंजापुरी का मंदिर है मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-94 भिंडोला खाल में। आप लोग भी जल्दी से जल्दी आएँ, अभी मेला चलेगा 9 दिन तक। आप मेले के साथ साथ आप माँ कुंजापुरी के भी दर्शन करें। तो मिलते हैं आपको सीधे मेले में। मैं अभी पहुंच चुका हूं नरेंद्र नगर मेले में। सबसे पहले आपको नरेंद्र नगर के खूबसूरत दर्शन कराते हैं, खूबसूरत नज़ारों के। और यहां पे विराजमान है नंदी महाराज। ये है सामुदायिक भवन नगर पालिका परिषद नरेंद्र नगर। यहाँ पे होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो दोस्तों, मेले के उद्घाटन में आ रहे हैं यहाँ के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री सुबोध उनियाल जी। जब तक मंत्री जी आते हैं तब तक आपको यहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा दिखाते हैं और ले चलते हैं आपको यहाँ के स्टॉल की तरफ। और अब ले चलते हैं स्टॉल की तरफ और यहाँ पे लगे हुए हैं स्टॉल। और ये है हमारे ग्राम्य विकास विभाग का स्टॉल लगा हुआ है। और अब ले चलते हैं आपको सारे विभागों की तरफ जहां जिनके स्टॉल लगे हुए हैं। हमारे लिए
मेले में घूमने हमारे पुराने साथी प्रेम भाई भी आ गए हैं और ये पहुँचे हैं अभी अभी मेले में, कुछ समय बाद हमारे बीच आ रहे हैं कैबिनेट मंत्री माननीय श्री सुबोध उनियाल जी। मुख्य अतिथि आ रहे हैं माननीय कैबिनेट मंत्री श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी का आगमन होने वाला है। बस कुछ ही क्षणों में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी और कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी का आगमन हो रहा है, तो आप वीडियो में बने रहें। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे बीच में है। नगर पालिका अध्यक्ष श्री राजेंद्र विक्रम पवार सिंह जी से निवेदन किया से आपका स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी से माननीय मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी को भी आप बुद्धा भेंट कर यहाँ पर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत माननीय मंत्री जय का यहाँ पर अभिनंदन और बहुत शिक्षा तकनीकी शिक्षा मंत्री माननीय श्री सुबोध उनियाल जी के द्वारा अभी आसन ग्रहण कर लिया गया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूंगा नगर पालिका अध्यक्ष श्री राजेंद्र विक्रम सिंह पवार जी जिनकी अध्यक्षता में मेला हो रहा है, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे ब्लॉक प्रमुख श्री राजेंद्र भंडारी जी यहाँ पर विराजमान है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। नगर पालिका मुनि के सम्मानित अध्यक्ष श्री रोशन रतोड़ी जी मेरे यहाँ पर विराजमान है, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। प्रसिद्ध समाज सेवी और उद्योगपति श्री बचन पोखरियाल जी का भी मैं मेला समिति की ओर से यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ अपने नगर पालिका नरेंद्र नगर के सभी सम्मानित सभासदगणों का। तो आप ग्रहण करें, आपसे निवेदन जोरदार तालियों से माननीय मंत्री जी का जिनके नेतृत्व में जिनके संरक्षण में ये 47वां मेला यहाँ पर गतिमान है। मैं निवेदन करूंगा पालिका अध्यक्ष श्री राजेंद्र विक्रम सिंह पवार जी से कि आप ये बैज को ग्रहण कर मेला समिति का की ओर से इसको स्वीकार करें। मैं निवेदन करूंगा ब्लॉक प्रमुख श्री राजेंद्र भंडारी जी से कृपया आप बैज स्वीकार करें। रोशन रतूरी हमारे पालिका अध्यक्ष मणिकृति से निवेदन करूंगा कि आप बैज स्वीकार करें। हमारे श्री बचन पोखरियाल जी प्रसिद्ध समाज सेवी और उद्योगपति आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस बैज को स्वीकार कर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सभासद गणों का भी आप बैज अलंकरण करें, आपका आभार और धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जय हमारे बीच में उपस्थित हैं, आप दोनों को ध्वजारोहण के लिए आप ध्वजारोहण स्थल पर ले जाने का कष्ट करें, जहां से माननीय मुख्य अतिथि जी के द्वारा इस मेले के शुभारंभ के दिन घोषणा करेंगे तो आप जयकारा भी लगाएंगे। और इस तरह से माननीय मंत्री जी के द्वारा माँ कुंजापुरी के इस वर्ष का यहाँ पर ध्वजारोहण किया गया। मैं 47वां शिष्य पीठ माँ श्री कुंजापुरी माता की माँ भगवती कुंजापुरी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे और हमारा यह शहर निरंतर इसी तरह से विकास के पथ पर अग्रसर रहे और माँ की कृपा यहाँ के नागरिकों पर, हमारे सभी क्षेत्र के निवासियों पर, इस प्रदेश की जनता पर माँ की कृपा बनी रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ और इसी प्रार्थना के साथ माननीय मुख्य अतिथि के द्वारा आज के इस मेले का यहाँ पर शुभारंभ किया गया। और अब आकर्षक झांकियां माननीय मुख्य अतिथि के सम्मान में, माननीय मंत्री जी के सम्मान में, हमारे माननीय अतिथि के सम्मान से ऊपर की ओर नयनगर का जिस मुख्य अतिथि के सम्मुख बैंड की प्रस्तुति और अभिवादन स्वीकार करते हुए हमारे माननीय मुख्य अतिथि और मेले के संरक्षक श्री सुबोध उनियाल जी, इनके पश्चात शोलिया नृत्य के शोलिया नृत्य के प्रतिभागी अपने इस सुंदर नृत्य की प्रस्तुति मैं आगे के लिए श्री महेश गुसाई जी, धन्यवाद भाई रमेश असवाल जी। मुख्य मंच के सम्मुख छोले नृत्य का सुंदर प्रस्तुति ग्रहण कर रहा है अल्मोड़ा से आई छोले नृत्य की टीम उत्तराखंड, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृति एक विराजमान है, जहाँ जौनसारी के साथ साथ विभिन्नताएं जो हमारा उत्तराखंड है
वहाँ की प्रस्तुति में से एक ये छोलिया नृत्य का प्रस्तुतिकरण किया अल्मोड़ा से आई इस टीम ने। और इसके पश्चात धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब आंचल विद्या भारती पब्लिक स्कूल नरेंद्र नगर जो अभी कॉम्पिटेटिव है, अपने जजेस महोदय से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर एक कॉम्पिटेटिव कार्यक्रम है, माँ शक्ति दुर्गा पर झांकी प्रस्तुत की जा रही है आंचल विद्या भारती के द्वारा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र सिर्फ पूजा और अनुष्ठान का पर्व नहीं है, अपार शक्ति नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है। आज की नारी देवी दुर्गा के रूपों में साक्षात निभा रही है। सर्व मंगल मांगली शिव सर्वा साधु की शरणी त्रम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। इस श्लोक के साथ जब देवी दुर्गा की आराधना शुरू होती है तो नारी शक्ति का एहसास होता है। ये बहुत झांकी प्रस्तुति आंचल विद्या भारती नरेंद्र नगर ने, और इनके पीछे है राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय ढालू वाला, और इनका विषय है नहीं जानती थी सूत्रधार किसी आंदोलन की, वह जानती थी तो बस इतना कि जंगल उसका जीवन था, सबकी सब थी बिना हथियार साथ था तो बस आत्मविश्वास। रैणी गांव की आम महिला अब आन की आन में खास हो गई थी। राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय ढालुआ के लिए हमारे दर्शक जरूर बजाए। मेरा निवेदन आपसे बहुत अथक प्रयास है, महीने भर का प्रयास, और इस तरह से राजकीय आदर्श विद्यालय ढालवाला की प्रस्तुति के पश्चात अगली झांकी लेकर आ रहे हैं प्राथमिक विद्यालय कुमारखेड़ा। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन, इन छोटे छोटे बच्चों का जोरदार तालियों से इनका हौसला अफजाई करें, सभी का हौसला अफजाई करते चले जाएं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुमारखेड़ा उत्तराखंड में G20 की झांकी प्रस्तुत कर रहा है। इस वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत द्वारा की गई। उत्तराखंड में रामनगर एवं नरेंद्र नगर में भी G20 का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें सभी प्रतिनिधियों का देवभूमि की लोक संस्कृति एवं लोक नृत्य से जुमेल द्वारा स्वागत किया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुमारखेड़ा की ये झांकी, और इसके बाद अगली झांकी है सरस्वती शिशु मंदिर नरेंद्र नगर। झांकी की जो इसका मिशन चंद्रयान 3 सरस्वती शिशु विद्या मंदिर नरेंद्र द्वारा मिशन चंद्रयान 3 की झांकी आपके द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। मिशन चंद्रयान 3 इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया और 23 अगस्त 2023 को लैंडर द्वारा चांद पर सफल लैंडिंग की गई और भारतवर्ष चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक अपना परचम लहराने वाला विश्व का पहला देश। की ओर से मुझे निर्देश हुआ है कि आपसे मैं ये कहूँ कि क्या आप इस पर जोर न लगाएं, कुछ सारे लोग पीछे हो जाए, इस पर जोर न लगाए, इनसे पीछे खड़े होकर आराम से आप देख सकते हैं। और ये सरस्वती शिशु मंदिर के बाद राजकीय प्राथमिक विद्यालय नरेंद्र नगर की ये झांकी अब धीरे धीरे मुख्य मंच के समक्ष अपना प्रदर्शन, ये बताती है कि माँ कुंजाप्री प्रगण विकास मेला का ये भव्य रूप कितना इसकी लोकप्रियता है और कितने नए आयाम यह स्थापित कर रहा है। ये हमारे एक बहुत बड़े गर्व की बात है, उनके लिए उनके प्रयासों के लिए साधुवाद कि निश्चित तौर पर इस मेले के माध्यम से होने वाले जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो खेलों के कार्यक्रम है, विद्यालयों के बीच में जो प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम है, और हमारे उभरते बच्चों के लिए जो प्लेटफॉर्म इस मेले के माध्यम से प्राप्त होता है, अपने बच्चों को इन मेलों के माध्यम से सारी सुविधाएं संसाधन जुटाते हैं। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं मेला समिति का भी कि इस मेले को आपके द्वारा विद्यालयों को अंशदान दिया जाता है, जिसके माध्यम से ये विद्यालय तैयारी करते हैं, और ये अंशदान झांकी में 7,000 रुपये। और
राजकीय प्राथमिक विद्यालय बखराना। अगले झांकी की प्रस्तुति रात में हर्षोल्लास से मनाए माध्यमिक वर्ग की झांकियां जजेज मौके से प्राथमिक की सभी झांकियां समाप्ति गांधी नवोदय विद्यालय बिरलधार टिहरी गढ़वाल। झांकी का विषय है चंद्रयान तीन। चंद्रयान तीन चांद पर खोजबीन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भेजा गया तीसरा भारतीय चंद्र मिशन है। इसमें एक लैंडर और एक रोवर है। चंद्रयान तीन को दिनांक 14 जुलाई 2023 शुक्रवार के दिन आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया। इसके साथ ही दक्षिण ध्रुव में लैंड करने वाला भारत पहला देश बना। चंद्रयान तीन के प्रमुख हिस्से हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। उद्देश्य इसरो के चंद्रयान तीन के तीन मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया है। लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। दूसरा है चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन करना। चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना तथा चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों जैसे पर ज्यादा प्रश्न करें। दो मिनट का समय आप अगली झांकी है राजकीय एंड बालिका इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर आप मुख्य मंच के सम्मुख अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी और आपकी झांकी का विषय है झांकी चुनाव एक उत्सव सखी मतदान केंद्र पिंक बोलिंग पोलिंग बूथ द्वारा राजकीय बालिका इंटर एवं निष्पक्ष चुनाव तथा सक्रिय जन भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत ध्येय वाक्य के साथ महिलाओं की मतदान में 100% भागीदारी के लिए सखी मतदान केंद्र पिंक पोलिंग बूथ की अवधारणा को 100% रहे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर की झांकी माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री के सम्मान में भारत का कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया माउंट कार्मेल क्रिश्चियन एकेडमी माउंट कार्मेल क्रिश्चियन एकेडमी बगड़धाम टिहरी गढ़वाल विषय भारत टाइटल पर अपनी झांकी की प्रस्तुति माननीय मुख्य अतिथि जी के सम्मुख मुख्य पंडाल के सम्मुख पहुंचते हुए देश के विकास के लिए आवश्यक है कि देश का हर नागरिक किसी न किसी क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करे, फिर चाहे वो लोग तकनीकी के क्षेत्र में हो या फिर खेल स्वास्थ्य और शिक्षा। देश के हर नागरिक को आत्मनिर्भर बनने के लिए आवश्यक है कि वो किसी क्षेत्र में कौशल प्राप्त करे, जिसके लिए सरकार द्वारा बहुत सी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। झांकी के माध्यम से केंद्र वाला सरकार द्वारा कौशल विकास के लिए संचालित की जा रही योजनाओं का भी सभी के
असंख्य जो भीड़ का जो समर्थन मिलता है, निश्चित तौर पर एक बहुत ही भव्य और उत्साहजनक कार्यक्रम ये झांकियों का यहाँ पर इस मेले में रहता है। और उस सबसे बड़ी बात, इन झांकियों में प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम बहुत ज़्यादा होते हैं, हर एक से आगे बढ़ने की जो एक लगन होती है। जो स्पर्धा कॉलेज नरेंद्र नगर की झांकी राम दरबार, जिसमें प्रभु श्री राम अयोध्या में अपने सभी सैनिकों को कुछ न कुछ देकर अपने अपने घर लौटने को कहते हैं, वही दाना मन का निकाल कर उसे देख कर फिर फेंक देते हैं। हनुमान जी ऐसा करते देख सारी दरबारी चकित हो जाते हैं कि श्री राम द्वारा इतना सुंदर बहुमूल्य उपहार को तोड़ रहे हैं, तो विभीषण और अन्य दरबारियों से हनुमान को पूछने पर ऐसा क्यों कर रहे हो, तो हनुमान जी कहते हैं इसमें तो कहीं, और प्रभु श्री राम मुस्कुराने लगते हैं। इस पर आधारित प्रस्तुत है झांकी राजकीय इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर की। और इसके बाद अगली झांकी है गुरु राम राय पब्लिक स्कूल नरेंद्र नगर, श्री रमेश सचवाल जी। झांकी पब्लिक स्कूल नरेंद्र नगर, प्रभु श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला, द्वापर इनका ये प्रसंग अहंकार का दमन। माँ पुण्यपुरी मेले के इस पावन अवसर पर ये मेला हर साल में कुछ ना कुछ सीख देकर जाता है। अपनी कमियों को सुधारने का ही हमारा मकसद होना चाहिए। अहंकारी इंद्र कायम, श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल की इस झांकी की प्रस्तुति के पश्चात माध्यमिक वर्ग की झांकी का क्रम समाप्त। कृपया जजेस महोदय ध्यान दें, माध्यमिक वर्ग का ये झांकियां पूर्ण हुई, इसके पश्चात उच्च वर्ग में दो पार्टिसिपेंट हमारे बीच में हैं। सभी जो बाजा लाइन की छत के ऊपर जो रेलिंग के सहारे खड़े जितने भी व्यक्ति, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी लोग रेलिंग का सहारा लिए खड़े हैं, सभी से निवेदन कि रेलिंग का सहारा ना लें। पहली झांकी है, जजेस महोदय से निवेदन, उच्च वर्ग के अंतर्गत आप इसका निर्णय करें। झांकी का सारांश, धर्मानंद न्याल राजकीय महाविद्यालय नरेंद्र नगर की झांकी की थीम श्री अन मिलेट्स अपनाओ स्वस्थ जीवन पाओ है की जागृति। नारा कूदा झंडोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, जनमानस में श्री अन्न की लोकप्रियता को स्वयं सिद्ध करता। सुमन उनियाल जी भी मंच में विराजमान है, दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। निवेदन, हमारे सभी जो झांकी सभी प्रभावित हुए होंगे, ये हमारे लिए और मेला समिति के लिए बहुत ही एक इस अभियान को लेकर मेला समिति चली वो पर कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। और अब आगे की रनिंग कमेंट्री के लिए श्री रमेश सचवाल जी राजकीय पॉलिटेक्निक नैन नगर की झांकी के लिए। झांकी की ये अंतिम प्रस्तुति उच्च वर्ग के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक नरेंद्र नगर प्रस्तुत करता है स्पेस टेक्नोलॉजी, जिनका टाइटल है 15 अगस्त सन 1969 में इसरो में के गठन से 14 जुलाई 2023 तक अनेकों उपलब्धियां हासिल की गई। वर्तमान में चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाना समर्थ भारतवर्ष के लिए गौरव का क्षण था। इस झांकी के पश्चात झांकियों का एक क्रम यहीं पर समाप्त हो जाएगा। सभी जजेस महोदय से निवेदन कि जितने भी ये कॉम्पिटिटिव झांकियां हैं पॉलिटेक्निक की झांकी,
हमने यहाँ की झांकी का ये जो प्रतियोगितात्मक झांकियां थी यही पर समाप्ति, और झांकी के अंतिम क्रम में कृषि विभाग नरेंद्रनगर टीवी गढ़वाल जजर महोदय ध्यान दें ये नॉन कम्पिटिटिव के अंतर्गत है। कृषि विभाग नरेंद्रनगर की झांकी अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करती है, को दिखाते हैं जिनके माध्यम से कृषि के क्षेत्र में निरंतर और उन्नति की ओर अग्रसर ये होते हुए, और इसी के साथ आगे के श्री महेश गोसाई। धन्यवाद दिनेश सर भाई जी, और अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रेमचंद रमोला जी, मेले के संरक्षक और वन मंत्री आदरणीय श्री सुबोध न्याल जी, नगर पालिका के अध्यक्ष श्री राजेंद्र विक्रम पवार जी और सम्मानित अतिथिगणों से के विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन के लिए अध्यक्ष जी से निवेदन की विकास प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए आप वहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि को प्रदर्शनी के उद्घाटन स्थल तक लेकर आप चले। निवेदन पालिका अध्यक्ष जी से और निवेदन माननीय मुख्य अतिथि और और पूर्व में आप विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में नगर विकास मंत्री के रूप में इस प्रदेश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं माननीय श्री सुबोध उनियाल जी वन मंत्री हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इस मेले के संरक्षक और जो विशाल ये जो मेला अगले 8 दिन में आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा और जो इसका भव्य रूप आपने इसके उद्घाटन में यहाँ पर देखा और आने वाली खेल प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक मंच के माध्यम से जो कार्यक्रम यहाँ पर दिखाई देंगे, ये संपूर्ण कार्यक्रम आपके नेतृत्व में लगातार कई वर्षों से ये नरेंद्र नगर देख रहा है। आपकी प्रतिभा, आपकी क्षमता और आपका जो विजन है उससे पूरा नरेंद्र नगर क्षेत्र यहाँ पर वाकिफ है और आपके आपके लिए माँ भगवती से अपने मुख्य अतिथि के लिए शुभकामनाएं हम यहाँ पर
प्रार्थना करते हैं और निवेदन। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो और कैसा लगा आपको माँ कुंजापुरी का मेला, और कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में लिखें जय माता दी जय माँ कुंजापुरी। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में माँ कुंजापुरी के मंदिर में। तो मेरे चैनल को खूब सारा प्यार करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय माँ कुंजापुरी।